मनपा ने भले ही 1 जून से व्यापारियों को सहूलत दी हो, मगर आज भी शहर के बर्टी स्थित हॉकर अपनी दुकानें नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में उन पर अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। कोरोना संक्रमण से पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन जैसी परिस्थिति महाराष्ट्र पर आ रही है। 2 महीनों के लिए अनलॉक के बाद फिर कोरोना संक्रमण से लॉकडाउन घोषित होता है। ऐसे में महाराष्ट्र और शहर के व्यापारियों की कमर टूट गई है। राज्य सरकार और मनपा ने शहर में 1 जून से कुछ रियायतें दी है, जिसे सुबह 7 से 2 बजे तक दुकानें खोलने पर अनुमति है, मगर बर्डी के हॉकर को ये भी अनुमति नहीं है। उनको पुलिस अनुमति देती मगर मनपा कार्रवाई करती है, जिससे वे संभ्रम है। गुरुवार को बर्डी के सभी हॉकर्स ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया और मांग रखी कि बाकी दुकानों के साथ ही हमें भी व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। गेल्या 2 महिन्यापासून आमचा मार्केट पूर्ण बंद आहे। आम्हाला थोडी बहुत पीआय साहेबाकडून ही मिळाली होती, ज्याला म्हणतो आपण थोडासा वेट दिला होता। 11 वाजतापर्यंत आमचा मार्केट चालू होता, तो पण बंद करायला लावला। आता इतक्या दिवसापासून आम्ही 14 महिन्यापासून थाली पिली जाऊ, आमच्या घरात खाचे तडपडे पडलेले आहे। आमच्याकडे कामधंदे नाही, दुसरे कामं येत नाही। आम्हाला फक्त फुटपाथवर सामान विकलेलं आहे आम्ही, त्याच्याशिवाय आम्हाला दुसरा पर्याय नाही आहे। ज्याप्रमाणे सर्व जनतेला पूर्ण नागपूर शहराला 2 वाजतापर्यंत जे वेळ मिळालेली आहे तीच वेळ आम्हाला भेटो, अशी आमची शासनाला विनंती आहे। सगळ्यांना डिक्लेअर केलेलं आहे की छोटे व्यापारी मोठे व्यापारी यांनी 2 वाजेपर्यंत आपला व्यवसाय करावा, त्याच्यानंतरही आम्ही एकदा लावल्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी आम्हाला शासनाने उचलून फेकून दिलं। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जेव्हा सगळ्यांना परमिशन मी दिलेली आहे राज्य सरकारने, तर आम्हाला का नाही, आम्हाला 2 वाजेपर्यंत आमचा व्यवसाय करू द्यावा, हीच विनंती आहे बस। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।